हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। जो आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, मैथ के प्रश्नों को हल कराऊंगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों से हल करने से आप लोग बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आप लोग एक आइडिया लगेगा किस अनुसार मैथ के पेपर आता है। अगर मैं जितने भी सेट को कराऊंगा, अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका मैथ यहाँ से 100% कम्प्लीट हो जाएगा और ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। 100% ये आपके ओरिजिनल प्रश्न ही है, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग बोलेंगे तो रेगुलर मैं आप लोग के लिए ऐसे ही सीरीज लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट था, दिया गया है यदि आपका 5a = 6b तथा 6a = 4c, तो b अनुपात c का अनुपात क्या है। देखिए, आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप लोग गलतियां कहाँ करेंगे वो मुझे पता है। देखिए, आप लोग गलती ऐसे करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c निकालेंगे, जो कि आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए b और c का संबंध हमें कहीं दिया ही नहीं गया, a और c का संबंध दिया गया है। देखिए, आप लोगों को कैसे हल करना है मैं बताऊंगा, एग्ज़ाम में कैसे हल करना वो भी बताऊंगा। देखिए, अगर बेसिक तरीके से मैं आप लोग बताऊं तो पहले देखिए a अनुपाते b, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 6/5, और आपका कितना हो जाएगा आपका a अनुपाते c बराबर हो जाएगा आपका 4/6। तो उसके बाद क्या निकालेंगे आप, ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ रखेंगे, ठीक है, सी यहाँ रखेंगे। तो देखिए, ए अनुपाते बी दिया गया है 6:5, ठीक है, और हमारा ए अनुपाते सी कितना दिया गया है आपका, देखिए 4:6 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 4=36 हो जाएगा आपका, यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमसे बी अनुपाते सी पूछा गया है, ठीक है, बी अनुपाते सी पूछा गया है, तो हमारा 20 और क्या निकालना है आपका, 36 का निकालना है। तो इसको हल करेंगे, 4 × 5=20 हो जाएगा, 4 × 9=36 हो जाएगा। देखिए, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे हल करेंगे बेसिक। एग्ज़ाम में क्या करना है, देखिए एग्ज़ाम में कैसे हल करना, अब ये तरीका देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। पहले आप क्या करिएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखिएगा, सी इधर लिखिएगा क्योंकि हमारा ए और सी का संबंध दिया गया है। तो देखिए, जब भी गुणा में रहता है तो एक दूसरे का अनुपात जो विपरीत होता है, बटे में रहता है तो अनुपात जिसके बटे में रहता है वही रहता है, लेकिन गुणा में रहता है विपरीत रहता है। जैसे हमारा क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है, इन चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, ए अनुपाते बी हो गया, ठीक है, उसके बाद अनुपाते सी हो गया। देखिए, ए अनुपाते बी कितना है, 6:5। अभी मैंने क्या बताया, जब गुणे में रहते हैं तो 1:6 हो जाएगा, बी का अनुपात 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ ए अनुपाते सी, तो यहाँ पे कितना दिया गया है आपका, देखिए यहाँ 4 और रेशियो कितना दिया गया, 6 दिया गया है। अब देखिए, इसके सामने 4 बढ़ा देंगे, इसके सामने यहाँ 6 बढ़ा देंगे, तो देखिए 6 × 4=36 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया ये देखेंगे, b अनुपाते c पूछा गया है, तो b का कितना है आपका, 20 है, c का कितना है, 6 है, आपका कितना है, 36 है। इसको देखिए, c का कितना है, 36 है। अब इसको काटेंगे, देखिए 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 × 9=36 हो जाएगा, 5:9 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, मैं एग्ज़ाम तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे हल करना है। आप लोग वहाँ ए अनुपाते बी नहीं निकालेंगे, बी अनुपाते सी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को सीधे हल करना है। आप तभी यूनिक बच्चों में आएंगे। देखिए, ए अनुपाते बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ए अनुपाते बी ए अनुपाते सी का मान रख के पूरा हम निकाल लेंगे, तभी आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए सेकंड है। देखिए दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ कि 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जिन लोगों का मैथ कवर भी नहीं है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए देखिए इसी टाइप के प्रश्न एकदम 100% पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस प्रश्नों में कोई फार्मूला नहीं लगाना। सुमित के वेतन में 40% कमी की गई, उसके बाद 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि % ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमसे क्या बोला गया है, सुमित के वेतन में पहले 40% की कमी, तो हम हमेशा बताते हैं, जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, 40% की कमी क्या करेंगे हम, 60 करेंगे, 100 में कमी। 40% की वृद्धि क्या करेंगे, इसमें 40 जोड़ देंगे 100 में। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं, 14 × 84 हो जाएगा। तो जो आता है वो देखते हैं हमारा 16 से कितना अधिक है कितना कम है, 16 से कम है तो हान होगी, कितना कम है, 16%, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर 16 से अधिक होता तो हमारा वृद्धि होती,
देखिए मैंने ऐसे क्यों किया, कमी होती है तो कितना हो जाएगा, 100 में 40 कमी 160 हो जाएगा, 100 में अगर 40 की वृद्धि तो 140 हो जाएगा, और परसेंट हमेशा 100 में होता है इसलिए हम लिखते ही नहीं एग्जाम में, तो यही तो आपका यूनिक मेथड होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 छंग 84 हो जाएगा, 100 से कितना कम है, 16 कम है, तो आपका 16% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, आप लोग इस टाइप के प्रश्नों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, पूरा 100% रियल प्रश्नों को करा रहा हूँ। जिन लोगों का मैथ अगर कमज़ोर है, अगर जो प्रीवियस पेपर करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दिया गया है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। देखिए मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। अब देखिए आप लोग बहुत तरीके से हल करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो बेसिक मत करिए, बेसिक करने बैठ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत टाइम जाएगा। अभी देखिए आप लोग कैसे हल करते हैं वो भी बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 4x + 5x + 6x, इसको जोड़ेंगे, जो नए स्टूडेंट पूरा जोड़ेंगे, 6 5 15x हो जाएगा, उसके बाद इसको 180 के बराबर रखेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए कभी भी एग्जाम बैठे रहिए। तो देखिए क्या करना है, जोड़िए 6 4 10 10 5 15, तो आपका 15a बराबर कितना, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश, इसको काटेंगे तो a बराबर हमारा कितना आ गया, 12, 12 आ गया। हमारा अनुपात में जब भी रहता है उसके साथ a या x कुछ भी लेते हैं, इतना ये मत सोचिएगा a कहाँ से लिए। हमें कौन सा बोला गया, सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण है 4 है, तो इसी जो 4 को हम 12 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए आप बिल्कुल जो है खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं करा रहा हूँ अगर आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को कर ले रहे हैं तो आपका RRC ग्रुप डी जो है 100% क्वालिफाई हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, यदि a + b बराबर 90 अंश है तो a अनुपात b बराबर 2:1 है तो tan a tan b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप देखें ध्यान से देखें तो a + b 90 अंश है तो 2 हमारा 3 कितना दिया गया, 90, तो हमारा कौन सा दो कोणों का योग जो है 90 अंश हो सकता है। अगर नहीं तो यहाँ देखिए 2 3 को रखिए, 2 3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 और 1 को रखेंगे तो हो जाएगा 3a, 3a बराबर 90 है तो हमारा a बराबर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा, एक मान यहाँ रख दीजिए 30 का, तो ये हो जाएगा 1 60, a बराबर 60 आ गया, और हमारा एक कितना आ गया, 30, ये b बराबर 30 आ गया। अब देखिए यहीं से निकालें, हम यहीं से निकालें, एक मान आ गया हमारा 60 अंश और बी का मान आ गया हमारा 30 अंश, ए और बी का मान आ गया। अब 10a मतलब 10 क्या करेंगे हम, 60 अंश अनुपाते क्या करेंगे, 10 30 अंश। अब इनका हम मान निकालेंगे, 10 60 अंश का मान √3 होता है, 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो इसको हल करेंगे, रूट से रूट आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3:1 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आप ये प्रश्न हल करिए, चाहे आप देखिए बेसिक बिल्कुल मत लगाइए, एग्ज़ाम में जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आधा से ज़्यादा आप दिमाग में हल करें प्रश्नों को, उसके बाद जब कैलकुलेशन करना हो तो अब आप पेन और पेपर उठाइए, नहीं तो आप लोग जितना देर में प्रश्नों को नोट करते हैं, अभी बहुत सारे इसको लिखते हैं a/b बराबर इतना, a+b बराबर इतना, आपको करना नहीं, डायरेक्ट 2:3 यहाँ रख के आपका 3 आ गया, 3 = 90 दिया गया तो 1 60 हो जाएगा, 1 आपका 30 हो जाएगा, 60 30 का मान रखेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इस टाइप के प्रश्नों को सच में कर ले रहे हैं तो आपका RRC ग्रुप डी 100% आपका जो है क्वालिफाई है, लेकिन आपका एक ही कंडीशन है, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब देखिए इसमें भी XY मानने की ज़रूरत नहीं है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या मतलब है कि XY मानने का, अब देखिए सिंपल तरीका, दो संख्याएं दी गई हैं, पहले 3:4 हैं, उसके बाद जब 3 घटाने पे कितना हो जा रहा है, 2:3 है, तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इस टाइप के कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए सेम अंतर है, एक का अंतर है, इनके बीच भी एक का अंतर, तो 1 = हमारा 3 दिया गया है, ठीक है, तो इसी 3 को हम पहले वाले अनुपात में गुणा करते हैं, मतलब 3 का पहले 3 में गुणा करेंगे फिर 4 में, 3 वाले में गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका,
इस वाले 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 3 4 12 हो जाएगा, तो मतलब हमारा 9:12। अब इन्हीं का योग करेंगे, 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आप बहुत सारे तरीक़ों से हल करते हैं, आपको बिल्कुल भी कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को नहीं करना है कि आप पेन और पेपर की एक्स वाई पूरा माने, एक्स वाई मानने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए जब हमारा अनुपात बराबर दिया गया, सेम डिफरेंट है, एक का अंतर है, एक का 3 दिया गया है, तो हम इसमें 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें 3 में पहले वाले अनुपात में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का योगफल बोला गया, 9 + 12 बराबर में हमारा 21 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा क्या मैं ये सीरीज़ आगे स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए, ऐसे ही प्रीवियस पेपर के सारे प्रश्नों को करा दूं, क्योंकि जिन लोगों का NTPC का एग्ज़ाम हो गया, कुछ लोगों का मतलब अच्छा हुआ, कुछ लोगों का अभी रिजल्ट आने पे भी पता चलेगा अच्छा हुआ कैसा हुआ, या कुछ लोग पहले पता हो गया कि मैंने गलती कहाँ की है, तो आप लोग प्रीवियस पेपर के कर लेंगे तो NTPC में जो गलती किए रहेंगे वो आप ग्रुप डी में नहीं करेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को बता दीजिएगा कमेंट करके। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोग बोलेंगे फिर इसी तरह के और क्लास लेके आएंगे, तब तक दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।